कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। तीन बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुकुम चलाती थी कविता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वो ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उससे ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। कविता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वो जानती थी कि वो लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़का का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वो। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती थी उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेला नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपने ही नज़र लग गई थी। एक दिन वो मायके जाने की जिद कर बैठी। राज के बहुत काम था, लेकिन वो फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्म हो गई। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टी पाँव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि वो कैसे है। धीरे धीरे यह सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बैठा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खिलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसके वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वो भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपने कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। कविता को लगा कि वो तीन चार दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वो कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। कविता के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुई। खाने में सब कुछ कविता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभियों से दिल खोलकर बातें की।
उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वो कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वो सब समझ गई। वो बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक था रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वो लोग जैसे थक चुके थे उससे, सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने। वो बहाना बना देती, जबकि वो जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। कविता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता, थोड़ी बहुत टकाटकी उसे सुनाई देती, वो टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फोन कर दिया। राज कविता को अपने घर ले गया। कविता को अपने परिवार वालों से यह उम्मीद ना थी, जिस कविता के कहे बिना घर के में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वो अब बोझ बन चुकी थी।